बात सुने। ये इनामुल हसन साहब की आवाज है जिसका दुनिया के अंदर कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता है। कोई भी तबलीग, कोई कह सकता है जनाब ये हमारे हजरत की आवाज नहीं, लेकिन आवाज का इनकार करना बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि एक ही कैसेट नहीं बल्कि सैकड़ों कैसेटें ऐसे लोगों की होती हैं। लीजिए समाप्त कीजिए किस तरह बयत हो रही है। सुनो सुना आपने, बैत की मैंने हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर, मर चुके हैं रहमतुल्लाह अलैह हैं वो, उनके हाथ पर बैत हो रही है। सुने इनाम के वास्ते से, इनाम के वास्ते भाई देखो जिन चीजों तौबा की नींद से हमेशा बचते रहो, ये बड़े बड़े गुनाह, और ये पांच बातें जो बतलाई जाएंगी ये वजीफा, इन्हें जमकर करते रहो। बहरहाल आगे गश्त के और चिल्ले के और दूसरे फजाइल हजरत ने बयान किए हैं और ये इसके अंदर तफसीलात हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इतना काफी है। आप हजरत ने समझ लिया इस बात को अच्छी तरह से, हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हो रही है किसके वास्ते से, इनामुल हसन साहब के वास्ते थे। ये इनामुल हसन साहब की आवाज है जो इस बात का खुला हुआ सबूत है, जिसका कोई भी देवबंदी मौलवी या तबलीगी जमात का कोई भी हरकारा या तबलीगी जमात का कोई भी मेंबर इस बात का इनकार नहीं कर सकता है। मैं बड़े ही अदब और बड़े ही एहतराम के साथ मैं उलमाए देवबंद से भी, तलबाए देवबंद से भी और उन तमाम हजरात से भी जो अपनी निस्बत देवबंदी की तरफ, देवबंद की तरफ करते हैं या तबलीगी जमात की तरफ करते हैं, मैं उनसे ये चंद बातें पूछना चाहता हूं। नंबर एक, क्या इस तरह की बैत जो हजरत इनामुल हसन साहब ने अभी अभी की है, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये बैत रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? तौबा करवाया जा रहा है कि हम तौबा कर रहे हैं शिर्क से, तौबा कर रहे हैं बिदात से, लेकिन खुद वो बिदात करवाई जा रही है, बिदात के गोद में बैठकर वो बिदात करवाई जा रही है, तो क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि जनाब अली तुम दावे तो कुछ और करते हो लेकिन अमली तौर पर तुम कुछ और करते रहते हो। इसी तरह से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तो एक तरफ रखो, इनको तो एक तरफ रखो, उनके क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर ये नहीं चलते, जिनके नक्शे कदम पर ये उलमाए देवबंद नहीं चलते, बल्कि ये हनफियुल मजहब की तकलीद को वाजिब समझते हैं और ये कहते हैं कि हम हनफियुल मजहब हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनको तो सहाबा को रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ, खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तरफ अपनी नस्बतें करते हैं, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की बैत करने का हुक्म दिया है? क्या उन्होंने इस तरह की बैत की है या खुद आपने इस तरह की बैत अपने शागिर्दों से की या करवाई है? इसी तरह से मेरा तीसरा सवाल यह है कि मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बैत में शिर्क और बिदअत से तौबा और तौबा करने की तालीम दी जाती है और उसका अहद लिया जा रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद ही इसी अहद को कितनी ही बेदर्दी के साथ तोड़ा जा रहा है, यह खुद आपने इस कैसेट से अंदाजा लगा लिया होगा। आप सोचते होंगे कि वो कैसे, तो सुनिए कि मैं पूछना चाहता हूं कि जरा अपने ईमान से पूछें कि क्या मुर्दे के यानी